A very good morning to all of you. How are you all? Good? पढ़ाई कर रहे हो? Say yes or no. Yes, पढ़ाई करनी है. जितना भी होमवर्क आपको आता जा रहा है आपको सारा इन टाइम फिनिश करते जाना है. क्यों? अगर आप फिनिश नहीं करोगे तो बहुत सारा आपका होमवर्क इकट्ठा हो जाएगा. फिर आप कब फिनिश करोगे उसको? राइट, आपको जल्दी से फिनिश करना पड़ेगा ना आपका होमवर्क, तभी तो, वरना आगे इतना सारा होमवर्क इकट्ठा होता जाएगा, है ना. स्टार्ट करें हम. क्या पढ़ने वाले हैं आज हम? मैथ्स. क्या पढ़ने वाले हैं? मैथ्स. मैथ्स में क्या पढ़ेंगे हम? 23, 22 तक हमारा हो चुका है. राइट और रॉन्ग? वेट, मैं आपकी बुक ले लूं? ये वाली आपकी बुक है नंबर्स की, मैथ्स की, राइट? तो इस वाली बुक के पेज नंबर 32 पे क्या दिया हुआ है? कौन सा नंबर है? 23. यस और नो? है ना 23 के. यहाँ पे देखो चॉक्स बनी हुई है, कलरफुल, राइट? 22 में भी हमने काउंट किया था, ये 23 है. तो ये 10, फिर ये 10 और पास में 3, तो कितने हो गए? 23. ओके, आपको काउंट करना भी आना चाहिए और 23 लिखना भी आना चाहिए. तो आपको आता ही है, राइट? 1, 2, 3, 4 तो आपको आता ही है, बस उसको कंबाइन करके लिखना है. फर्क किस सिर्फ इतना है, पहले एक बॉक्स में हम एक लिखते थे नंबर, अब एक बॉक्स में दो नंबर लिखने हैं. बात वही की वही है, राइट? चलो तो स्टार्ट करें हम, लिखना शुरू करें. यस, ओके. तो क्या लिखना है हमको? 23 क्या बन गया? 23 बोलते हैं हम. सबसे पहले लिखेंगे हम 2, उसके पीछे 3. आपको 2 लिखना भी आता है और आपको 3 लिखना भी आता है, है ना. इसलिए आप ये नहीं कह सकते हो कि मैम 23 कैसे लिखते हैं. फर्स्ट लिखेंगे हम 2, उसके पीछे 3. एक ही बॉक्स में दो नंबर लिखने हैं. पहले सिंगल बॉक्स में हम सिंगल नंबर लिखते थे, लेकिन अब इसमें 2 लिखने हैं. 1 से लगा के 9 तक सिंगल लिखा है. 11 से लगा के अब जितने भी नंबर है वो 2-डिजिट नंबर है. ये क्या कहते हैं इसको? 2-डिजिट नंबर. तो क्या कर रहे हैं आज हम? कौन सा नंबर पढ़ रहे हैं? 2, 3, 23, राइट? 2 कैसे लिखना है? कर्व लाइन करते हुए नीचे लाओ, स्लिपिंग लाइन, हाफ सर्कल, वन मोर हाफ सर्कल, तो 3 बन गया. तो ये क्या बन गया? 23. 2 कैसे लिखना है? कर्व करते हुए नीचे लाओ और स्लिपिंग लाइन, 2 बन गया. फिर 1 हाफ सर्कल, 1 मोर हाफ सर्कल, ये 3 बन गया. तो क्या लिखना है? 23. 2, 2, 22 हम कर चुके थे, आज हम कर रहे हैं 2, 3, 23. 2 नीचे स्लिपिंग लाइन, कर्व करते हुए पीछे हाफ सर्कल, 1 मोर हाफ सर्कल, तो वो 3 बन गया. तो क्या लिखा ये हमने? 23. देखो ऐसे कर्व करते हुए नीचे लाइन में जाके स्लिपिंग लाइन, हाफ सर्कल, 1 मोर हाफ सर्कल, तो क्या बन गया ये? 2, 3, 23. 2, 3, 23 क्या लिखना है हमको? 2, 3, 23 ये लिखा 2, उसके पीछे लिखा 3, क्या बन गया? 23. फर्स्ट क्या लिखा? 2, उसके पीछे क्या लिखा? 3, क्या बन गया? 23. पहले लिखेंगे 2, उसके पीछे लिखेंगे 3, क्या बन गया? 23. पहले लिखेंगे 2, उसके बाद लिखेंगे 3, ठीक है. ऐसे करके आपको पूरा 2, 3, 23 कंप्लीट कर लेना है. पेज नंबर 32, इस पेज पे ये पूरा आपको फिनिश करना है, खुद से लिखना है. अब तो आ ही गया है, जब आपको 1 to 10 लिखना आ जाता है उसके बाद एक भी नंबर आपके लिए टफ नहीं होता है, राइट? क्योंकि आपको पता है कि उसको लिखते कैसे हैं. अब मैम ये थोड़ी सिखाएगी, अब तो आप बड़े हो गए हो, है ना.
मैम ये थोड़ी पता है कि कैसे लिखते हैं, वो तो आपको आता है, 1 to 10 तो आप कब से सीख गए हो, है ना। तो जब 1 to 10 हमको नंबर लिखने आ जाता है, उसके बाद सारे नंबर्स हमको ऑटोमेटिकली लिखने आ जाते हैं। बस खाली मैंने क्या बताया है आपको, काउंटिंग कैसे करना है, अगर वो आपको आ जाएगा तो आराम से लिख दोगे आप। देखो मैम ने आपके लिए एक ऐसा बीट्स वाली स्लेट आती है, गेम होता है ये, उसमें बीट्स लगे हुए होते हैं, तो वैसे ही मैम ने आपके लिए ड्रॉ किया है। इसमें काउंट करते हैं 23 बीट्स हैं कि नहीं है, राइट। चलो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 1 11 1 2 12 1 3 13 1 4 14 1 5 15 1 6 16 1 17 1 18 1 9 19 2 0 20 2 1 21 2 2 22 2 3 23 yes, है ना, 2 3 23 तक। तो आपको ऐसे बीट्स वाले गेम मार्केट में अवेलेबल है, लेकिन मैम ये नहीं कह रही है कि आप खरीद के लाओ और उसको खेलो। नो, आपके घर में बहुत सारी चीजें होती है जिसको आप काउंट कर सकते हो, राइट, कर सकते हो ना। आपके पास पेंसिल्स होती हैं, इरेजर्स होते हैं, चलो इतने सारे नहीं हो, बर्तन तो होते हैं घर में, 23 तो मिल ही जाएंगे किचन में, राइट। सब को इकट्ठा कर दो और गिनो कितने हैं, 23 तक काउंट करना है आपको, क्योंकि आज हमने क्या पढ़ा, 23 पढ़ा। अब 23 आपको ऐसे समझ में नहीं आएगा, कैसे समझ में आएगा, तो फिर जब आप ऐसे बोलोगे 1 1 11 1 2 12 1 3 13 1 4 14 1 5 15 1 6 16 1 7 17 1 8 18 1 9 19 2 0 20 2 1 21 2 2 23 2 1 23 ऐसे बोलोगे तब समझ में आएगा 23, अच्छा 2 3 23 ऐसा। अगर आपको याद होगा तो आपको सोचने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी कि 2 3 23 लिखते कैसे हैं, आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। या कोई कहे सपोज 19 लिखो, अगर आपको 1 9 19 याद होगा तो आप फटक से लिख दोगे, 1 लिख दोगे और 9 लिख दोगे तो हो गया 19। करना क्या है, सेम बॉक्स में लिखना है, 1 डिजिट नंबर हम 1 बॉक्स में लिखते थे, एक बॉक्स में सिर्फ एक ही नंबर लिखते थे, जब हम 2 डिजिट नंबर पढ़ते हैं तो एक बॉक्स में 2 नंबर आ जाते हैं। सी आपकी बुक में भी दिया हुआ है, ये पर्टिकुलर एक बॉक्स के हैं, तो एक बॉक्स के अंदर 2 नंबर लिखे हैं कि नहीं लिखे हैं, 2 डिजिट नंबर, यस। तो आपको क्या करना है, इस वर्कबुक में तो फिनिश करना ही है, मैथ्स की जो आपकी नोटबुक है उसमें भी 23 आपको लिखना है, काउंटिंग की हैबिट डालनी है और मैम जैसे सिखा रही है वैसा बोलना है, ठीक है। 1 to 10 तो आपको पता ही है, 11 से कैसे काउंट करना है, 1 1 11 2 1 21 ऐसे काउंट करना है, ठीक है। मैम हर क्लास में करवाती है, इसलिए आप ये नहीं कह सकते हो मैम आपने नहीं बताया, मैं हर क्लास में आपको बताती हूँ कि ऐसे ही काउंट करना है, तो ही आपको जल्दी से आएगा ये लिखना, ठीक है। प्रैक्टिस करते रहिए, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, बाय ऑल ऑफ यू।